नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है खुशहाल होम गार्डनिंग में। और आज मैं आपके साथ अपना अनार का पौधा साझा करना चाहूँगा। मैं ये कल ही नर्सरी से पौधा लेकर आया हूँ अनार का। ये देखिए कितना खूबसूरत है। और आज इसके प्राइस के बारे में बताना चाहूँगा, कितने का लाया हूँ, कैसे इसकी केयर करनी है, कितने बड़े पॉट में मैंने इसको लगाया है। देखिए दोस्तों, अगर बात करें इसके प्राइस की, मैं इस अनार के जो पौधे को मैं लेके आया हूँ, ये मुझे 200 रुपये में मिला है, ठीक है। और ये जो अनार है, काफ़ी अच्छे वैरायटी, काफ़ी अच्छा स्पेशल अनार है। जो लोग दिल्ली से है उनको पता होगा कि जो हमारे यहाँ पूसा है, तो ये पूसा जो हमारे जो किसान वैज्ञानिक जो वहाँ बैठते हैं, जो शोध करते हैं, वो तो उसके द्वारा, उनके द्वारा ये तैयार किया है, इसका बीज जो तैयार किया है, तो ये मुझे वहाँ से मिला है। और मैं 200 रुपये में इसको लेके आया था। तो ये काफ़ी अच्छी वैरायटी का, शायद इसको कोई इन्होंने कुछ नाम बताया था, जो टीशू अनार करके कुछ बताया है इसका। और ये मैंने 18 इंची के पॉट में लगाया हुआ है। ये देखिए, ये नर्सरी पॉट है 18 इंची का। और दोस्तों, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज है कि ये जो पॉट है, नर्सरी पॉट, ये मैंने काफ़ी सस्ते में ख़रीद लिया है। ये 120 रुपये का पॉट है, इतना बड़ा प्लास्टिक का नर्सरी पॉट। ये आप देख पा रहे हैं, फुल साइज़ का है ये। और काफ़ी अच्छे इसमें आराम से फ्रूट के, सब्जियों के पौधे ले सकते हैं। और 120 रुपये में मुझे ये नर्सरी पॉट मिल गया था, बट वो इस तरह से नहीं मिल पाता है। मैं थोड़े से पॉट वगैरह ज़्यादा ख़रीदता हूँ, तो मुझे होलसेल प्राइस में उन्होंने रेट लगा दिया था। तो देखिए, ये इस तरह का, मैं थोड़ा पास से दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरह के इसकी पत्तियाँ हैं, ये देखिए अनार की। तो काफ़ी अच्छा अनार है पौधा है। अभी तो कोई फ्लावर वगैरह नहीं बन रहे हैं, क्योंकि एक अच्छा टाइम होता लगाने के लिए। थोड़ा अभी विंटर टाइम चल रहा है और सर्दी में भी, अब सर्दियाँ थोड़ी कम हुई है, तो मुझे लगा कि मुझे लेके आना चाहिए अनार का। तो इस वजह से मैं इसको पौधे को लेके आया हूँ। ये देखिए, तो अभी ज़्यादा बड़ा नहीं है ये पौधा, इसको पास से दिखाता हूँ। ये देख जाइए, ये पौधा जो है ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये मात्र मेरे हिसाब से 6 से 7 महीने का पौधा है, इससे ज़्यादा इसकी एज नहीं होगी। ये देखिए, बात करते हैं इसके सोइल की दोस्तों। तो इसकी जो मैंने सोइल तैयार की है, वो इसमें मैंने अपना गार्डन सोइल ही लिया है। गार्डन सोइल में दोस्तों देखिए, मेरे घर के आसपास ना खेत काफ़ी ज़्यादा हैं, तो मैं वहाँ खेत से ही मिट्टी ले आता हूँ इनके लिए, पौधों के लिए। और इसमें जो आप देख रहे हैं काउडंग मैन्योर है, मतलब गाय के गोबर की, मतलब मैंने इसमें खाद, सड़ी खाद यूज़ करी है। और ये कम से कम 2 या 3 साल पुरानी खाद है। मैं हमेशा से आपको कहता हूँ कि खाद जितनी पुरानी हो उतनी अच्छी होती है। और इसमें क्या कहते हैं, नीम की खली का भी यूज़ किया है। और अब 15 या 20 दिन के बाद मैं इसके अंदर क्या कहते हैं, कैल्शियम का यूज़ करूँगा। इसको कैल्शियम देना ज़रूरी है, क्योंकि नर्सरी में जब होता है तो वो अपने हिसाब से केयर करते हैं, पर जब घर आ जाता है कोई पौधा, तो उसको अपने हिसाब से हमें केयर करनी चाहिए। तो इसको हम कैल्शियम भी देंगे, और थोड़े दिन बाद जब ज़्यादा, थोड़ा सा 1 महीना करीब हो जाएगा, इसको थोड़ा सा DAP भी दे देंगे, ठीक है। और जब फ्लावर वगैरह आने जाएगा, फ्लावर के टाइम पे हमको जैसे फूल ना गिरे, तो उस वक्त हमको उसको 19-19-19 अपना फर्टिलाइज़र देना है NPK, तो वो काफ़ी अच्छा रहता है फ्लावर ना गिरने के लिए। तो इस वजह से इसको हम इस तरह से मैंने इतने बड़े पॉट में लगाया, क्योंकि ये जो पॉट है इसके लिए सफिशियंट रहेगा, लाइफ टाइम इसके लिए इस पॉट के अंदर रहेगा। बार बार इसको मैं चेंज नहीं करूँगा। पॉट भी काफ़ी बड़ा है, अच्छा पॉट है। और अब आने वाले टाइम पे मैं फ्रूट्स के और भी ज़्यादा पौधे लेके आने वाला हूँ। मुझे फ्रूट्स का ज़्यादा ही लगाव है, फ्रूट्स के पौधों का, तो फ्रूट्स के लगाएंगे अब हम काफ़ी सारे पौधे। ये देखिए इस तरीके का पौधा है ये दोस्तों। पौधा अच्छा है, अच्छा है, इसमें कोई बीमारी वगैरह मुझे कोई दिख नहीं रही है इसमें। ये देखिए, और दोस्तों काफ़ी लोगों की शिकायत होती है कि जो अनार के पौधे होते हैं या नींबू के पौधे होते हैं, कि जो फ्लावर आते हैं ना, वो गिर जाते हैं। तो देखिए, उसमें 2 ही कारण होते हैं दोस्तों। या तो आप उसमें ओवर वाटरिंग कर रहे हैं, ज़्यादा पानी दे रहे हैं, या फिर आप उसमें क्या कहते हैं, धूप वगैरह ढंग से नहीं लगवा रहे हैं। या फिर उसमें आप एक काम कर सकते हैं, आप 19-19-19 NPK का प्रयोग कीजिए। NPK जो फ्लावर्स होते हैं अपने पौधों के लिए, जो फ्लावर्स आते हैं उनके लिए अच्छा होता है NPK एक तरीके से, तो फ्रूटिंग वगैरह के लिए तो उसमें यूज़ किया जाता है। तो वो आप काफ़ी अच्छा रहेगा, सहयोग करेगा उसमें, हेल्प करेगा, ठीक है। ये देखिए, तो कैसा लगा आपको वीडियो दोस्तों? आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा।
आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो मेरे दोस्त नए हैं प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी भी ऐसे वीडियो के साथ। धन्यवाद।